होपफुली हमें यहाँ पे एक कैंगारू देखने को मिलेगा। राइट साइड में जो है मिनिमम 12 से 13 फीट तो होगा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, 3 से 4 घंटा लग सकता है। ये ऐसा एनिमल था जो एक्सक्लूसिव, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। लग रहा है कि कोई सॉफ्ट टॉय है। देखिए एक बड़ा वाला ओरांगुटान, वाओ। इसका हेड और टेल दोनों एक जैसे ही दिखता है। बिग जायंट पांडा एकदम हमारी आंखों के सामने। ट्राम सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप ट्राम सर्विस ले सकते हो जू के अंदर, जो टिकट में इंक्लूडेड है। इसमें चिकन है, राइस है, और ये डिश जो है ये सिंगापुर का लोकल ऑथेंटिक डिश है। यहाँ पे है मर्चेंडाइज टॉय सिंगापुर जू के। हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हम आ गए हैं सिंगापुर सीरीज में वापस से आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। आज हम जा रहे हैं सिंगापुर जू। तो हमने कर लिया अपना कैब बुक, अब हम वेट कर रहे हैं कैब का। तो आज जो है सुनील भाई का ऑफिस है, आज मंडे है तो आज वो ऑफिस गए हैं, और आज मैं और विजेता बस हम दो हैं। तो हम जा रहे हैं सिंगापुर जू। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना जर्नी, हम निकल गए हैं सिंगापुर जू एक्सप्लोर करने। तो हम जो है अब ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं सिंगापुर जू। अभी हम हैं मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व में, और ये है मंडाई वाइल्ड लाइफ रिजर्व का रोड। तो हम उतर गए हैं सिंगापुर जू में अपने कैब से, और ये हम पहुंच गए हैं सिंगापुर जू। ये है इसका एंट्री गेट, चलते हैं अंदर और लेते हैं टिकट अब। ये है मेंबर्स एंड एक्सपीरियंस सेंटर, यहाँ पे काउंटर नंबर 6 में आपको जाना है और टिकट यहाँ से बाय करना है। चलते हैं और परचेस करते हैं टिकट। तो गाइज हमने ले लिया है टिकट, हमें पड़ा है $50 का एक टिकट सिंगापुर डॉलर में। तो हमने दो टिकट लिया है $100 का, और एक टिकट हमने लिया है रिवर वंडर के लिए, उसका पड़ा है हमें $79। टोटल हमें टिकट का पड़ा है $179। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है आपके सुविधा के लिए, आप देख सकते हो। तो हमें जो है मेन गेट में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सिंगापुर जू को कवर करने में आपको 3 से 4 घंटा लग सकता है। तो इंटर करते के साथ ही हमें मिला सेमांग, ये एक टाइप का मंकी है, ये देखिए सामने बहुत बढ़िया, और भी है एक दो ऊपर, और ये नीचे देखिए क्रोकोडाइल का साइज। भाई मेरे को लगता है यार ये राइट साइड में जो है मिनिमम 12 से 13 फीट तो होगा, ये वाला भी होगा 10 फीट के आसपास, ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए मंकी। तो हम आ गए हैं वाइट टाइगर देखने। तो यहाँ हमारे सामने एशियाटिक टाइगर, आप देख सकते हो आराम से आराम फरमा रहा है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पिग्मी हिप्पोपोटामस देखने, और ये है हमारे सामने, देखते हैं अंदर से भी। हम आ गए हैं ऑस्ट्रेलेशिया के सामने, चलते हैं, होपफुली हमें यहाँ पे कैंगारू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे है जो इन पाउच, मतलब बेबी कैंगारू, ये देखिए अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं क्लियर है कि नहीं, बट अगर आप देखो इन दो पेड़ों के बीच से तो वहाँ पे बीच में आराम से बैठा है। तो यहाँ पे है गुड फेलो स्ट्रीक कैंगारू जो अभी है हमारे सामने, नीचे आप देख सकते हो। अब हम आ गए हैं एलिफेंट वाले सेक्शन पे, चलते हैं और देखते हैं पास से। तो यहाँ पे कुछ एलिफेंट के झुंड हमें मिले, नाइस, काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा एरिया बना के रखा है। और यहाँ पे आप देखो सिटिंग एरिया है,
छोटा सा एक गैलरी ऐसा बना के रखा है, आप यहाँ पे बैठ के आराम से देख सकते हो एनिमल्स को। अभी हमारे सामने है लेमुर, ये देखिए। तो ये ही एक अभी तक ऐसा एनिमल था जो एक्सक्लूसिव, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये फर्स्ट टाइम मैं लेमुर देख रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दे रहा है अपना। यहाँ पे है रिंग टेल्ड लेमुर और ये इधर पे देखिए, पूरा ग्रुप है इनका। तो यहाँ पे एक सील भी है, ये देखिए घूम रहा है मस्त, वेट कर रहे हैं, पास आएगा तो अच्छे से लेंगे इसका। तो ये है अफ्रीकन पेंगुइन, देखिए लग रहा है कि कोई सॉफ्ट टॉय है। हेलो, अब हम पहुंच गए हैं ओरंगुटान वाले सेक्शन पे। ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा ओरंगुटान। यहाँ पे देखिए एक बड़ा वाला ओरंगुटान, वाह। हेलो, यहाँ पे देखिए बेयर है। अच्छा, फीडिंग टाइम चल रहा है उनका, ऊपर लोग है जू के लोग और नीचे ये खाना खा रहे हैं। दो है, एक अभी यहाँ पे है, एक पीछे चला गया। ये देखिए अभी यहाँ पे खाना दिया गया है तो यहाँ पे आएंगे। तो ये बेयर अभी आ रहा है, वाओ देखिए। नाइस। तो ये है रेप्टोपिया सेक्शन, रेप्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अंदर अब। बहुत ही बढ़िया सा वेदर हो गया है सिंगापुर जू में। ऐसे तो यहाँ पर टेम्परेचर होने का बात था 32, बट आज मेरे को लग रहा है शायद 27-26 है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्लाउडी वेदर है, अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। कोमोडो ड्रैगन, यहाँ पे कुछ टॉर्टोइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इगुआना यहाँ पे है। तो एक बहुत ही अद्भुत सा एक छोटा सा हमने रेप्टाइल देखा। अब ये देखिए आप, इसका नाम है सिंगल बैक स्किंक। तो इसका खूबी ये है कि इसका हेड
और टेल दोनों एक जैसे ही दिखता है तो ये प्रेडेटर को कंफ्यूज कर देगा कि किस तरफ ये एक्चुअली में सर करके बैठा है। अगर आप नोटिस करो तो इसका सर और पूछ दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो आपको गेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस तरफ मुंह करके बैठा है। और यहाँ है हमारे सामने किंग कोबरा, है पाइथन बहुत ही पास। वाओ, तो हम आ गए हैं जिराफ वाले सेक्शन में। देखिए हमारे सामने ये है जिराफ। वाओ, चलते हैं पास और पास से रिकॉर्ड करते हैं। तो जू के अंदर में ट्राम सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो आप ट्राम सर्विस ले सकते हो जू के अंदर, जो टिकट में इंक्लूडेड है, बट हमने वो ऑप्ट नहीं किया। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टिकट में हमारे साथ, बट हमने वो ट्राम नहीं लिया। इसका रीज़न ये है कि उनका कुछ डेजिग्नेटेड पॉइंट है जहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे, वहाँ से फिर वापस आपको आना पड़ेगा वॉक करके। तो बेटर है कि आप पूरा वॉक करके घूमो, आप अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। और अब हम खड़े हैं अफ्रीकन लायन के पास, देखिए मस्त हल्का हल्का बारिश हो रहा है और ये आराम फरमा रहे हैं अंदर। वैसा सिंगापुर में वेदर काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा ठंड है, वैसा बिल्कुल भी धूप नहीं है, आराम से हम घूम रहे हैं। हल्का हल्का बीच बीच में हल्का बारिश हो रहा है, बट तुरंत बंद हो जा रहा है, एक दो मिनट हो रहा है बंद हो जा रहा है। तो मॉर्निंग से हम घूम रहे हैं बट ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो लायन और लायनेस आराम से सो रहे हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे इनको बिना डिस्टर्ब किए। तो ये यही ट्राम है जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए पीछे यही सर्विस है जो जू में टिकट के साथ आपको मिलता है, ये इंक्लूडेड है। यहाँ पे है रेड रिवर हॉग, पुम्बा, यहाँ पे जीब्रा, यहाँ पे है राइनोज, घूमते घूमते बहुत टाइम हो गया, भूख लग गया, दोपहर का बज गया 3:30, तो हम आ गए खाने। तो ये हमने ऑलरेडी बिल कर दिया है, तो हमने ऑर्डर किया है ये वाला डिश, माला चिकन ज्यांगयो राइस, जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट $17। तो ये हमारा डिश आ गया है माला चिकन ज्यांगयो राइस। तो ये है, ये कुछ $17 का पड़ा, इसमें चिकन है, राइस है, और ये डिश जो है ये सिंगापुर का लोकल ऑथेंटिक डिश है। तो ठीक है, चलिए खाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। हमारा लंच हो गया है डन, और देखिए बहुत जोरों की बारिश स्टार्ट हो गया है, बट अच्छा बात यह है कि हमारा
जू घूमना हो गया है डन, और यहाँ पे ही है एग्जिट आगे जाकर। बट उससे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंगापुर जू का गिफ्ट शॉप है। चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या आइटम यहाँ पे मिल रहा है। तो काफ़ी सारे टॉयज यहाँ पे है, मर्चेंडाइज टॉयज सिंगापुर जू के। तो गाइज़ हमने जस्ट अभी कंप्लीट किया अपना सिंगापुर जू का जो ट्रिप था, छोटा सा 4 घंटे का। तो आप जब भी यहाँ पे आओ, 4 घंटा टाइम लेकर आओ। टिकट का प्राइस जो है 50 सिंगापुर डॉलर है। बहुत ही अच्छा जू है, बट आपको बहुत चलना पड़ेगा। ट्राम का फैसिलिटी अंदर में है, अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है आप ट्राम लेकर घूमो। ट्राम मतलब छोटा सा जो टॉय बस टाइप का होता है, उस तरह का इन लोगों ने बना के रखा है। पानी का पूरा फुल फैसिलिटी है, अंदर में वेंडिंग मशीन से जहाँ पे ऑरेंजेस है $10-15 में। अंदर में गिफ्ट शॉप है, आप अपने फ्रेंड्स के लिए फैमिली के लिए मिनिएचर्स खरीद सकते हो। तो कुल मिला जुलाकर बहुत ही अच्छा सा जू है। खाने पीने के लिए बहुत सारे इंतजाम है, जैसे आप जू से बाहर निकलोगे देखो यहाँ पे भी बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। बट आज का जो अभी हमारा प्लान है यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमने रिवर वंडर्स का टिकट लेकर रखा है। तो चलते हैं, बगल में ही है यहाँ से 100 मीटर में रिवर वंडर्स, और देखते हैं कि उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। आइए। तो हम आ गए हैं रिवर वंडर में, आप देख सकते हो। चलते हैं अंदर अब और देखते हैं क्या क्या अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ एलिफेंट फिशेस है, देखिए बहुत बड़ा सा वाटर टैंक बनाया है इन लोगों ने, एक्वेरियम। वैसे तो कल हम जाने वाले हैं सी एक्वेरियम सिंगापुर का, जो बहुत ही फेमस है। वो तो पूरे एक फुल एपिसोड बनेगा सिंगापुर एक्वेरियम में, तो होपफुली ये सब तो हमें वहाँ देखने को मिलेगा। बट फिर भी हम यहाँ आए हैं तो कवर तो करेंगे ही। यहाँ पे है अटलांटिक टार्पन, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है पानी और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। देखिए वाओ, बहुत ही शानदार यहाँ पे दिख रहा है। बहुत बड़ा फिश टैंक है, देख सकते हो। आई गेस 10-15 अटलांटिक टार्पन इसके अंदर। यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा एक्वेरियम, और यहाँ पे जाइंट कैटफिश, वाओ। Thank you.
तो अभी हम चलेंगे जाइंट पांडा फॉरेस्ट, और देखिए जाने के रास्ते में सुंदर सा एक लेक और एक फुटब्रिज। बहुत ही अच्छा वेदर है आज थाईलैंड में, और साथ ही साथ इतना सुंदर सा नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये हमारे सामने अभी रेड पांडा, ये देखिए रेड पांडा ऊपर है, ये देखिए बाहर आ गया बहुत ही स्वीट। और यहाँ पे जाइंट पांडा, मौसम अच्छा है, पूरा एंजॉय कर रहा है, मस्त आराम कर रहा है। तो देखिए बिग जाइंट पांडा एकदम हमारी आंखों के सामने बहुत ही स्वीट लग रहा है तो गाइज हमने कंप्लीट कर लिया है रिवर वंडर्स, बहुत ही अच्छा लगा। जस्ट जू के बगल में है, दो लोगों का पड़ा $79, 79 सिंगापुर डॉलर। और ये है एग्जिट गेट, देखिए आप दो तरफ सुंदर लेक है, और बीच में है एक वुडन का ब्रिज। और आज जो है बहुत ही अच्छा वेदर हो गया सिंगापुर में, हल्की हल्की बारिश हो रही है आप देख सकते हो, और बहुत ही ठंड है, मतलब बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं है, अच्छा लग रहा है। तो हमने दिन भर आज वॉकिंग किया यहाँ पे, बट फिर भी हमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम बहुत टायर्ड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट अब समय आ गया है इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने का, बट आपसे हम बहुत जल्द मिलेंगे। कल हम जा रहे हैं सी एक्वेरियम सिंगापुर में, जो कि बहुत फेमस है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आपसे मिलते हैं बहुत जल्द। अनटिल देन कीप ट्रैवलिंग।